शामनगर में फायरिंग का वाकया, गोली लगने से राणा जुबैर नामी नौजवान जांबाज। वर्षा के मुताबिक दोस्तों ने फोन करके बताया जुबैर को गोली लग गई है। पुलिस का कहना है जुबैर के दोस्त गायब हैं, जल्द कातिल का पता लगा लेंगे। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। लॉयरमाल पुलिस का जुआ खाने पर छापा, मियां हसीबुल अलमारूफ मियां विकी समेत 10 जवारिये गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 2,37,000 रुपए नकदी, 2 राइफलें, 2 पिस्टल, गोलियां और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ कुमारबाजी एक्ट और नाजायज असलाह रखने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कागजात में खवातीन पुलिस एहलकारों की नाकों पर 24 घंटे ड्यूटियां, लेकिन हकीकत इसके बरक्स, खवातीन पुलिस एहलकारों की तीसरी शिफ्ट नाकों से गायब। तीसरी शिफ्ट में मर्द पुलिस एहलकार मसीहा मान गए, मुजाकरात कामयाब। वाईडीए ने चेयरमैन शेख जैद अस्पताल से मुजाकरात के बाद हड़ताल की कॉल वापस ले ली। मुजाकरात में 4 निकात पर इत्तफाक किया गया। शेख जैद अस्पताल की लेडी डॉक्टर्स को हॉस्टल बदर नहीं किया जाएगा, रिहाइश के लिए मुतबादिल जगह का इंतजाम कर लिया गया। शेख जैद अस्पताल की इमरजेंसी को हंगामी बुनियादों पर तौसी दी जाएगी। पहले 7 दिनों में होने वाली PP 168 का जमनी इलेक्शन, कप्तान के खिलाड़ी का छक्का, जियालों की हमायत भी काम ना आई। नून लीग अपनी जीती हुई नशिस्त हार गई। PTI के मलिक असद खोकर 17,579 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के राणा खालिद कादरी 16,892 वोट ले सके। PTI ने 657 वोटों की बरतरी से ख्वाजा साद रफीक की खाली नशिस्त अपने नाम कर ली। खिलाड़ी कप्तान पर वारी, मलिक असद खोकर ने अपनी जीत कायद के नाम कर दी। कहते हैं मेरा इम्तिहान शुरू हो गया, मुझे अब हल्के में खिदमत करनी है। एजाज चौधरी की ख्वाजा साद रफीक पर तनकीद, कहा लोहे के चनार रेत की बोरी से भी नाकिस साबित हुआ, लेकिन कयादत चोरी डकैती में मुलविस है, पाई पाई का हिसाब लेंगे। उमर डार बोले जिमनी इलेक्शन में जीत तब्दीली का नतीजा है, नैब में शेर की हकीकत से आवाम बाखबर है। शेर की कछार में बल्ले का वार, खिलाड़ी खुशी से निहाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर भरपूर जश्न, घोड़दवांस का शानदार मुजाहिरा। लाहौर न्यूज शानदार कवरेज में एक बार फिर सबकत ले गया। सबसे पहले मुस्तरद नतायज अवाम तक पहुंचाने की रिवायत बरकरार, पोलिंग से नतायज तक हर लम्हे रखा बाखबर। शहरी लाहौर न्यूज बड़ी स्क्रीनों पर लगाकर देखते रहे। पंजाब के तमाम वज़रा भी पास, वजीर आला ने 100 रोजा कारकर्दगी पेश कर दी। साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ के 4 कैंप हाउसेस थे, इनमें जाती मेहमान आकर ठहरते थे। जाती मेहमानों पर 1 करोड़ रुपए से जायद खर्च किए गए। शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी पर 2,000 एहलकार तायुनात थे, अब सिर्फ 60 एहलकार हैं। अवाम को पाई पाई का हिसाब देंगे। लाहौर में 56 केनाल अराजी वागुजार कराई। सिर्फ अर्बन पूरा से 5 अरब रुपए की सरकारी अराजी कब्जा खत्म करवाया। इत्तफाक फाउंड्री से 240 केनाल अराजी वागुजार कराई। वजीर अला पंजाब उस्मान बुजदार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का मामला, पंजाब असेंबली का माहौल गर्म। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान में नोकझोंक, राणा मोहम्मद इकबाल और वजीर कानून राजा बिशारत में तल्ख कलामी, तुंदो तेज जुमलों का तबादला। वालिद का चेहरा देखने के लिए तड़प रहा था, मगर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया। मौलाना माविया आजम की असेंबली में तकरीर, नून लीग ने 10 साल में जो बोया वही काट रहे हैं, चौधरी जहीर का खिताब। स्पीकर की प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर मुतफिक का तजावीज सामने लाने की हिदायत, ऑपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद के खिलाफ 2 हफ्तों में रेफरेंस दायर कर देंगे नैब की एहतसाब अदालत को यकीन दहानी। आशियाना इकबाल स्कैंडल केस की समाअत के दौरान विंग अफसर के पेश ना होने पर अदालत बरहम। मुल्ज़िम का रिमांड हासिल करना हो तो नैब की पूरी टीम अदालत में पहुंची होती है। बंदे को 90 रोज जिस्मानी रिमांड में रखा, रेफरेंस दायर करना हो तो ढीले बन जाते हैं अदालत के रिमार्क्स।
लाहौर अजायब घर में पंजाब आर्ट्स काउंसिल के जरिए तमाम नुमाइश, कोयटा से आए 13 आर्टिस्टों के फन पारों की नुमाइश, कैनवस पर बिखरे खूबसूरत रंगों से इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी। और 60 लाख रुपए के तहाइफ लिए टैक्स 1 रुपए का भी ना दिया, अदाकारा खुशबू एफपीआर की नजर में आ गई, 2,53,000 रुपए इनकम टैक्स आए, तहाइफ देने वालों की तफसीलात तलब।